नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। और कल की सुशुरुआत के बाद दमदार क्लोजिंग भारतीय बाजारों की हुई, लेकिन क्या ये दम आज भी दिखेगा? काफी हद तक निर्भर करेगा कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत मिल रहे हैं। तो शुरुआत आज के अहम ट्रिगर्स के साथ ही कर लेते हैं। कल इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन एशियाई बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो हल्की सुस्ती के साथ हुई है। और सेंसेक्स निफ्टी भी लगभग 10,754 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 19 अंकों की कमजोरी के साथ। तो ये संकेत हैं अमेरिका और एशियाई बाजारों से। कच्चे तेल में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिखा है, अभी भी $78 के आसपास कच्चा तेल ब्रेंट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज असर दिखेगा कई ऐसे स्टॉक्स में जहां पर अहम खबरें हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 41वीं एजीएम है आज, और जियो फाइबर के नाम से जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वो लॉन्च हो सकती हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो फाइबर के नाम से जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वो लॉन्च हो सकती हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो कल इंट्राडे में 18% तक टूटा और आखिर में 11-12% की कमजोरी के साथ बंद हुआ, शायद वहां रिकवरी दिखे आज के सत्र में, क्योंकि एक्सचेंजेस को कंपनी ने सफाई दी है और इस सफाई के बाद ब्रोकर हाउसेस ने भी स्टॉक को अपग्रेड किया है। सेबी का एनएससी को नोटिस मिला है कोलोकेशन केस में, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली। तो ये कुछ अहम संकेत हैं आज की शुरुआत से पहले, लेकिन ओवरऑल क्यूज कैसे मिल रहे हैं इस पर बातचीत करते हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं एशियन मार्केट्स का अभी का हाल। निकाई लगभग 65 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। शंघाई में भी हम हल्का दबाव अभी देख रहे हैं, और कॉस्पी को देखें तो यहाँ भी 9 अंकों के आसपास ही कमजोरी है। तो सीमित कमजोरी है एशियाई बाजारों में, और सेंसेक्स निफ्टी लगभग 22 अंक नीचे ट्रेड अप कर रहा है 10,750 के स्तर पर। एक बार देख लेते हैं कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट में एफआईआई की ओर से बिकवाली हुई है 284 करोड़ की, वहीं डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है कैश मार्केट में 611 करोड़ के आसपास की। तो ये एफआईआई के संकेत हैं कैश मार्केट में। लेकिन इन संकेतों के साथ आज शुरुआत कैसी हो सकती है, आपको करना क्या है, इसी पर चर्चा करते हैं। और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, पहले तो संकेत ही बताइए। अमेरिका से तो खैर संकेत नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की वजह से बंद थे, लेकिन एशियन मार्केट्स की शुरुआत आपने देखी, कच्चे तेल का कारोबार देखा, कैसे लग रहे हैं संकेत? कुछ दीपाली मूवमेंट है नहीं, कच्चा तेल भी वही $78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एशिया में धीमी शुरुआत है, बहुत तेजी बहुत मंदी है नहीं। और भारतीय बाजार चूंकि कल काफी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए आखिरी मिनटों में, और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, थोड़ी खरीदारी हुई, और इसलिए हल्की सुस्ती दिख रही है। तो हमें करना यह है कि भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त एशियाई बाजार किस तरह का कारोबार करते हैं, खासतौर से हांगकांग तब खुलकर अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो उससे हम थोड़ा शुरुआती संकेत लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कल की तरह कि आज भी अगर कमजोर शुरुआत होती है तो खरीदारी का मौका होगा। ठीक कल की तरह कल भी जैसे शुरुआत में फर्स्ट हाफ में कमजोर रहा तो बेहतर है सेकंड हाफ में तेजी होती हुई दिखे। डाउ फ्यूचर्स से बहुत घबराने की जरूरत नहीं कि बिल्कुल सुस्त है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स कल की तेजी को आज नहीं दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आज रात अगर अमेरिका खुलेगा तो थोड़ा मजबूत ही खुलना चाहिए। लेकिन एक चीज है, मैं कल से जो अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो सारी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, उसका असर देखने का पहला दिन होगा तो देखना होगा कि आज रात अमेरिकी बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो थोड़ा अमेरिका का ट्रेड आज रात को इम्पोर्टेंट होगा एक्चुअली। इन संकेतों के बीच में जहां तक हमारा सवाल है, हम ट्रेड रेंज में है 10,700-10,825, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। और अच्छी बात है कि कल जिस तरह से हमने 10,700 की काफी ऊपर आकर 10,770 पर क्लोजिंग की, तो हमारे पास अगर थोड़ा नीचे जाते भी हैं तो सपोर्ट काफी अच्छा है 10,700 पर, तो वो आसानी से शायद हम तोड़े नहीं। तो 10,700 को सपोर्ट मानकर खरीदारी करनी चाहिए। अगर 25-30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन है। ऊपरी स्तर पर 10,800-10,825 आपको फिर से मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल अच्छी बात यह है कि आखिरी मिनटों में बैंक निफ्टी भी थोड़ा मजबूत हुआ और 10,400 के ऊपर काफी दिनों के बाद थोड़ी क्लोजिंग हुई। तो निफ्टी तो पहले से ही मजबूती के संकेत दे चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बेहतर संकेत कल के सेशन में आया, और ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए 26,300 आज के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपरी स्तरों पर 26,600 के आसपास जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो समझना मेरा यही है कि कमजोर शुरुआत हो तो बेहतर, और वहां मिलेंगे मौके खरीदारी करने के, और अगर बहुत मजबूत खुल जाए 10,800-10,825 के आसपास तो एक बार भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके दिन के दौरान हल्की कमजोरी का इंतजार करें, फिर से खरीदारी करें। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, अगर सो शुरुआत हो तो खरीदारी का नजरिया आपको अपनाना है, और ऊपरी स्तरों पर खिले तो छोटे मुनाफे के लिए बिकवाली भी कर सकते हैं। लेकिन अनिल जी ये बताइए कि आज किस सेशन में कौन से वो स्पेसिफिक स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स होंगे जहां पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज
ये तो रहेगा ही रडार में। कल हमारा स्टॉप ऑफ द डे था और अच्छा मजबूती के साथ बंद हुआ, तो मेरा मानना है 1000 और 1020 तक के टारगेट के लिए आज भी यहाँ पर तेजी की पोजीशन रह सकती है, क्योंकि एजीएम है तो एजीएम के बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन एजीएम तक तो स्टॉक मजबूत रहेगा, उसके बाद अगर अच्छे ऐलान आए तो चल जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग। और उसके साथ साथ फिर टेलीकॉम शेयरों पर भी नजर रखनी चाहिए दीपाली, जो कल थोड़े कमजोर हुए हैं। अगर कोई रिलायंस जियो की तरफ से बड़े एग्रेसिव प्लान आ गया तो टेलीकॉम शेयरों की और पिटाई हो सकती है, अगर कुछ भी खबर ना आए तो वो टेलीकॉम शेयर रिकवर होकर भाग सकते हैं, नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज, वैसा हो जाएगा टेलीकॉम शेयरों के लिए। तो ये दो सेक्टर है जो मुझे लगता है कि थोड़े आज एक्शन में रहने चाहिए, और ऑटो शेयरों में थोड़ी रफ्तार अच्छी बनी है, कुछ खरीदारी आज फिर से हो सकती है, वहां पर तेजी करनी चाहिए। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा ऐसा रुझान नहीं। हाँ, एक चीज और है, एनबीएससी स्टॉक्स थोड़े खरीदारी का रुझान दिखा सकते हैं, कल जिस तरह से बैंकिंग शेयरों में तेजी बनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां तेजी होती दिखी, आज एनबीएससी का नंबर हो सकता है वो तेजी में आ जाए। ठीक है, शुक्रिया अनिल जी ये व्यूज देने के लिए। तो निफ्टी 10,700 से 10,825 ये दायरा है जिसमें कारोबार कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 26,300 से 26,600 ये रेंज रहेगी जहां पर आज ट्रेड होता हुआ बन सकता है। शुरुआत हो तो खरीदारी का ही रुख आपको अपनाना है, ऊपरी स्तरों पर खुले यानी जो रेंज के ऊपरी स्तरों पर अगर बाजार खुलता हुआ दिखे तो वहां पर छोटे मुनाफे के लिए बिकवाली भी की जा सकती है। एनबीएफसीज ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, फोकस में रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की 41वीं एजीएम है। इस एजीएम में क्या अहम घोषणाएं हो सकती हैं इस पर चर्चा करते हैं, और मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर मौजूद भी हैं। संदीप, पिछले दो एजीएम से तो हम देख रहे हैं कि जो पूरा फोकस है वो जियो पर ही रहा है, पहले जियो लॉन्च हुआ फिर जियो फोन लॉन्च हुआ, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, फोकस तो इस बार भी जियो पे ही रहने वाला है, अंतर सिर्फ इतना है कि पिछली बार जियो फोन के ऊपर फोकस था और इस बार जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं उनके ऊपर फोकस रह सकता है। उसके लॉन्च की जो बातचीत है वो इस बार इस एजीएम में हो सकती है। आपको बता दें जियो फाइबर के नाम से जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं उनका लॉन्च हो सकता है। 2016 से अगर आप देखें कंपनी टेस्टिंग मोड में है, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो करीब करीब एक साल लेट कहना चाहिए कि ये जब अपना टारगेट लेके चल रहे थे पिछले साल के अंत तक ही ब्रॉडबैंड सेवाएं लॉन्च करना चाहते थे, इसका ऐलान अब हो सकता है, शुरुआत में हो सकता है मुंबई दिल्ली जैसे जो बड़े शहर हैं उसके लिए जो सेवाएं उनकी घोषणा हो जाए, और साल अंत तक पूरे देश भर में आप देखेंगे जो ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं कहीं ना कहीं लॉन्च होती हुई दिखेंगी। आपको बता दें किस तरह का थोड़ा ब्यौरा दे देते हैं कि किस तरह की ये सेवाएं हो सकती हैं। 100 Mbps स्पीड पर 100 GB डेटा मासिक आपको मिल सकता है, और इसके लिए ग्राहकों से करीब 4500 रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जा सकता है, क्योंकि एक जो बॉक्स है जो सेटअप बॉक्स कहें या तो फिर जो ONT उपकरण है इस केस में जिसको आप ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस कहेंगे उसके लिए ये सिक्योरिटी फीस ली जाएगी, और किस तरह की दरें होंगी ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन आपको बता दें दीपाली, ये जो ONT डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं ये अपने आप में 5 सेवाएं देने में सक्षम होगा, इंटरनेट, केबल, लैंडलाइन, होम ऑटोमेशन और होम सर्विलेंस, ये 5 सेवाएं एक ही बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगी। तो देखना काफी अहम होगा कि टेलीकॉम स्टॉक्स जो बाकी जो केबल ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर इसका जो रिएक्शन है कैसा होता है अगर ये सेवाएं लॉन्च हो जाती हैं, जिसका काफी कीनली वेट कर रहे हैं मार्केट्स। दूसरी और जो कंज्यूमर कारोबार उसको लेकर भी घोषणाएं हो सकती हैं। कंज्यूमर कारोबार में एक तो जियो है ही, उसके साथ साथ मीडिया, एंटरटेनमेंट और रिटेल, ये ऐसे कारोबार हैं जहां पे अब मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इनका जो पेट्रोलियम और रिफाइनिंग का जो कोर कारोबार है अगले 10 साल में उसके बराबर जो कंज्यूमर कारोबार है उससे कहीं ना कहीं जो योगदान है वो आता हुआ दिखे, तो उसको लेके भी हो सकता है कुछ बड़ी घोषणाएं हैं इस एजीएम में आती हुई दिखें। इसके अलावा कुछ रूटीन वर्क हैं जिसमें NCDs के जरिए 20,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाएंगे, उसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांग सकते हैं। और दूसरी ओर मुकेश अंबानी का जो कार्यकाल है जो कि 19 अप्रैल 2019 तक है उसको 5 साल के लिए बढ़ाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांग सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए फोकस इस बार भी जियो पे रह सकता है, और ब्रॉडबैंड सेवाएं अगर लॉन्च होती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड सेवाएं लॉन्च करने का ऐलान हो सकता है, बड़े शहरों से ये सर्विसेज लॉन्च हो सकती है। और एक खास बात आपको और बता दें कि अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं ब्रॉडबैंड सेवाएं जो दे रही हैं उनकी हद से जो स्पीड वो देते हैं वो 50 Mbps की है। सिर्फ एक दो कंपनियां हैं जिनकी 100 Mbps तक स्पीड है, लेकिन बहुत हाई प्राइस पर है, और 100 Mbps स्पीड के साथ 100 GB मंथली डेटा के साथ ये सर्विसेज लॉन्च हो सकती हैं। तो देखिए, मोबाइल डेटा के बाद अब जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है यहां पर भी एक नए रेवोल्यूशन की तैयारी जियो कर सकता है। नजर आएगी इस एजीएम पर 11:30-11 बजे के आसपास ये एक्सपेक्टेड है कि शुरुआत होगी, और उसके बाद विश्लेषण पूरा जी बिजनेस पर आप देखेंगे। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर कल दिन भर चर्चा हुई और शायद आज ही फोकस में रहेगा, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। कल शेयर में भारी गिरावट देखी गई, इंट्राडे में यह स्टॉक 17-18% तक फिसला और आखिर में 11-12% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। और कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस को मैनेजमेंट ने सफाई दी है और ये कहा है कि SBL के पास लोन चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन है। पूरी खबर जो है कल क्या हुआ, आज क्या सफाई आई है, क्या इम्पैक्ट दिख सकता है, ये समझते हैं। रजत मेरे सहयोगी मौजूद है पूरी डिटेल्स के साथ, बताइए रजत।
जी बिल्कुल श्रीराम, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की मैनेजमेंट की सफाई आई है और ये आना ही था क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम से गिरावट आ गई थी कल स्टॉक में 11% के आसपास की। लेकिन दीपाली कुछ मुख्य पॉइंट्स में बता दूं, 870 करोड़ के एनसीडीज की जो गारंटी दी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने, ये उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। और ये पहले दर्शकों को बता दें कि जो एनसीडीज थी ये इनकी पेरेंट कंपनी श्रीराम वेंचर्स ने जारी किए थे 870 करोड़ के एनसीडीज। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या श्रीराम वेंचर्स समय पर इन एनसीडीज को रिडीम कर पाएगी कि नहीं, यही एक मुद्दा था जिसके कारण कल स्टॉक में बहुत ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिली क्योंकि गारंटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने दी है। लेकिन अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की मैनेजमेंट ये कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2019 में ये एनसीडीज की मैच्योरिटी होनी है और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि श्रीराम वेंचर्स समय पर इन एनसीडीज की रिडेम्पशन यानी कि एनसीडीज वापस खरीद लेगा। ऊपर से ये भी कहना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आने देगी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी पर, और प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कंपनी को नहीं करनी पड़ेगी इस मुद्दे के चलते। उनको ये भी भरोसा है कि जो बाकी ग्रुप एंटिटीज हैं वो समय पर अपना लोन चुका देंगी। तो इसके चलते जो इस समय ये मार्केट्स में न्यूज फ्लो चल रहा है कि समय पर हो सकता है कि एनसीडीज का रिडेम्पशन ना हो पाए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने इसको खारिज कर दिया। वो कह रहे हैं कि समय पर रिडेम्पशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं होता तो प्रोमोटर्स किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो कोई भी स्टेप उठा सकते हैं अपनी कंपनी को बचाने के लिए। तो बहुत बेहतर एक क्लैरिफिकेशन है, उन्होंने सारी डाउट्स को क्लियर कर दिया है। तो उसका असर अब ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में भी देखेंगे तो आज अपग्रेड्स निकल के आए हैं। बिल्कुल, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं और आगे शो के दौरान आपको बताएंगे कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद हाउसेस का क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर। शुक्रिया रजत आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ही नहीं, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, जहां पर एक इम्पैक्ट कल दिखा था इसी खबर के मद्देनजर, एक ही ग्रुप की कंपनी, इन दोनों शेयरों पर आज आपको ध्यान देना होगा। लेकिन और कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं ये जान लेते हैं, रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए आज के लिए कौन से शेयर्स हैं। गुड मॉर्निंग, पहले शुरुआत पहले बायोकॉन की खबर से करते हैं। यहाँ पर कंपनी को स्टेराइल ड्रग के लिए यूरोपियन रेगुलेटर की तरफ से जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मिल चुका है, एक तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। मार्च 2018 में प्लांट का निरीक्षण किया गया था और इस जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इस खबर के चलते आज बायोकॉन पे नजर रखिए। यस बैंक कंपनी की म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की योजना है जिसके लिए सेबी की मंजूरी मांगी थी और सेबी की मंजूरी बैंक को मिल चुकी है, जल्द ही अभी अपना म्यूचुअल फंड कारोबार भी शुरू करेगी। भारत रोड नेटवर्क, यहां पर खबर आई है कि कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की अर्जी दे दी है, रेलिगेयर फिनवेस्ट की तरफ से ये अर्जी दी गई है और मामला करीब 51 करोड़ के लोन डिफॉल्ट का है। तो देखना होगा यहां पर किस तरह के अपडेट निकलकर आते हैं। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, यहां पर अपडेट है कि कूव्स का ये जो कि ऑनलाइन फैशन कंपनी है उसका करीब 30% हिस्सा खरीदने की योजना है कंपनी की। अभी रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिलनी इसको बाकी है, लेकिन 140 करोड़ में कंपनी यहां पर निवेश करेगी। इससे पहले भी काफी सारे ऑनलाइन वेंचर्स को खरीदने की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इस तरह का क्लैरिफिकेशन आया है। लंदन की ऑनलाइन फैशन रिटेल कंपनी है जिसमें की कंपनी निवेश करेगी। फोर्स मोटर्स, कंपनी के जून बिक्री के आंकड़े आए हैं जिसमें की अगर कुल बिक्री की बात करें तो वहां पर 8% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन एक्सपोर्ट में कमी आई है। 245 यूनिट से घटकर जो एक्सपोर्ट है वो 124 यूनिट रह गई है, तो इस पर भी फोकस रखिए आप। और आखिर में बात करते हैं जीएम ब्रेवरीज की। आज से नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है और जीएम ब्रेवरीज अपने पहले तिमाही के नतीजे घोषित करेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है, तमाम वो स्टॉक्स है जहां पर आज खबरें हैं। जीएम ब्रेवरीज नतीजों के हिसाब से एक्शन में रहेगा और साथ ही इसके अलावा बायोकॉन पर नजर रखकर चलिए आज के सेशन में। इंपॉर्टेंट खबर है, शायद ये स्टॉक आज के सत्र में एक्शन दिखाए। फ्यूचर लाइफस्टाइल, जैसे कि पूजा ने बताया कि कूव्स में करीब 30% स्टेक कंपनी एक्वायर करेगी, 140 करोड़ में ये डील हो सकती है। तो ये कुछ अहम स्टॉक्स है जहां पर आज के सत्र में आपको ध्यान देना है। और संकेत एशियाई बाजारों से बहुत बेहतर नहीं है, हल्के से शुरुआत एशियाई बाजारों की हुई और सेंसेक्स निफ्टी भी 5 अंक नीचे अब ट्रेड कर रहा है 10,768 के लेवल्स पर। तो खराब नहीं लेकिन सुस्ती भरे संकेत मिल रहे हैं। हैंगसेंग हालांकि हरे निशान में 10 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है और शंघाई में भी 10 अंकों की बढ़त इस वक्त बनी हुई है। करना आज आपको निफ्टी पर क्या है और साथ ही ट्रेडिंग के मौके कहां पर है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अरुण मंत्री, डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं कावी स्टॉक ब्रोकिंग के। अरुण गुड मॉर्निंग, पहले तो निफ्टी पर ही बताइए क्या स्ट्रेटेजी आज के लिए। गुड मॉर्निंग, ठीक है, निफ्टी का ओवरऑल रेंज देखे थे, ब्रॉडर रेंज में निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है, नीचे में 10,700 ऊपर में 10,850 एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। नो डाउट पिछले दो दिन की तेजी के बाद जो निफ्टी का बेस है वो 10,600 से बढ़कर 10,700 हो चुका है। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी, अगर 10,750-740 के पास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो बाय करें, नीचे में 10,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 10,820 का टारगेट रखें।
ठीक है, 10820 का लक्ष्य है, 10700 का स्टॉप लॉस, 10750 पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक्स कौन से रहेंगे आज के लिए? तो स्टॉक स्पेसिफिक में एक बाई एक सेल चला है, बाई में हैवेल्स आप लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, इवन कल पिछले एक से दो दिन में काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में ऐड हुआ है। 537 का स्टॉप लॉस लगाएं और 562 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा मनापुरम में ओवरऑल वीकनेस अभी भी नजर आ रही है, और पिछले सेशन में देखें तो वॉल्यूम्स का साथ गिरावट आई थी, तो इस स्टॉक में शॉर्ट करने की सलाह होगी। ऊपर में 100 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 93 का टारगेट रखें। शुक्रिया अरुण आपका। तो मनापुरम फाइनेंस बिकवाली की सलाह है, 93 के टारगेट नीचे की तरफ, 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही हेवल्स यहां पर खरीदारी की कॉल है, लक्ष्य रहेंगे 562 के, 537 का स्टॉप लॉस रखिए। अलग अलग हाउसेस की ओर से कुछ और ट्रेडिंग पिक्स आई हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए आज के सत्र के लिए। एक्सिस सिक्योरिटीज ने रेकमेंड किया है आज के लिए एक्साइड, खरीदारी की सलाह एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से आ रही है। और जो लक्ष्य यहां पर रहेंगे वो रहेंगे 270 के। इनफैक्ट जस्ट डायल, माफ कीजिए, एक स्टॉक है जहां पर रिकमेंडेशन आ रही है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से, 592 का लक्ष्य, 571 का स्टॉप लॉस। दूसरी रिकमेंडेशन है मैरिको पर, एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है 350 के टारगेट के लिए खरीदिए, 339 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो ये दो रिकमेंडेशन है, जस्ट डायल और मैरिको, एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से। आईडीबीआई कैपिटल मान रहा है कि कावेरी सीड, इसे आप खरीद सकते हैं, 574 का लक्ष्य रखिए, 544 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये तीन स्टॉक्स हैं आज के लिए जहां पर पोजीशंस आप बना सकते हैं। लेकिन अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेश हिरामत, जो कि हेड हैं रिसर्च के कमोडिटी सेगमेंट के कावी कॉम्ट्रेड से। वीरेश गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए पहली कमोडिटी कौन सी होगी जहां पर ट्रेडिंग के मौके नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग, आज के लिए गोल्ड में खरीदारी का सलाह रहेगा 30,620 के लेवल में। आज के लिए टारगेट रहेगा 30,750 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 30,550 लेवल का। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह है सोने में 30,620 के स्तर पर तेजी की पोजीशंस बनानी है, 30,750 का लक्ष्य, 30,550 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा दूसरी कमोडिटी? दूसरे में क्रूड में बिकवाली का सलाह रहेगी 5120 में, टारगेट रहेगा 5060 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5160 लेवल्स का। ठीक है, 5120 के स्तर पर बेचिए, 5060 का लक्ष्य, 5160 का स्टॉप लॉस रखिए। रुपए पर क्या आउटलुक होगा आज के लिए? रुपए पे हमारा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 68.90 में, टारगेट होगा 69.20 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 68.75 लेवल्स का। ठीक है, शुक्रिया वीरेश आपका ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स की, संदीप हमारे साथ मौजूद भी हैं। संदीप बताइए, पहले तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के बारे में बताइए, कल क्रेडिट स्विस की इस रिपोर्ट ने मूड बिगाड़ दिया था पूरी तरीके से, आज कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे मूड बन सकता है मैनेजमेंट की सफाई के बाद? बिल्कुल दीपाली, जो मैनेजमेंट की सफाई है वो काफी अहम है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं आएगा, इनफैक्ट इनको कोई प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और अब इस भरोसे के बाद जो सफाई आई है उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस का भी भरोसा इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। डॉयच बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब भी खरीदारी करने की सलाह बरकरार है, 1700 रुपए का टारगेट प्राइस वो इस स्टॉक के लिए दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन है उसका जो असर है इनके जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि कोर कारोबार अगर देखा जाए तो कोर कारोबार इनका बेहद मजबूत है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब भी उन्होंने अपना भरोसा बरकरार रखा है, खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 1700 रुपए का टारगेट प्राइस है जो कि यहां से 550 रुपए ऊपर आपको नजर आएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 443 रुपए का लक्ष्य दिया है। वो ये कह रहे हैं कि इनका जो एड स्पेंड है वो काफी ज्यादा रह सकता है, इनफैक्ट ये जो प्राइस हाइक लेंगे, जो कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे, वो शायद उतनी ना रहे जितना इनको विज्ञापन के ऊपर खर्च करना पड़े। और वैसे भी बाकी कंपनी के मुकाबले इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो प्रीमियम पे है, तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा स्तर से 200 रुपए के भी नीचे के जो टारगेट प्राइस है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए मैक्वेरी की ओर से देखने को मिले हैं। टाइटन ने कल अपना Q1 का एक अपडेट जारी किया, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई, उन्होंने लंबी अवधि के लिए अब भी खरीदारी करने की सलाह दी है, 1061 रुपए का टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज्वेलरी कारोबार का जो प्रदर्शन है, जितना टारगेट था कंपनी का उसको वो कंपनी नहीं मीट पाई है, कर पाई है, लेकिन Q1 में इनकी जो आय और एबिटडा है उसमें 9-10% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। ओवरऑल लंबी अवधि के लिए अब भी खरीदारी की सलाह है, 1061 का टारगेट प्राइस है। ठीक है, तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं अलग अलग स्टॉक्स पे, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे जरूर नजर रखकर चलिए। डॉयचे बैंक की तो रिपोर्ट आई है 1700 के टारगेट के साथ, ICICI सिक्योरिटीज ने भी इसको अपग्रेड किया है एड से बाय, 1770 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं। और एक और
रिपोर्ट जो अभी भी आई वो है क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन सीआईएमबी बैंक मलेशिया की ओर से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर ही वो भी ऐड उन्होंने मेंटेन किया है और 1750 के टारगेट की बात कर रहे हैं। तो क्लेरिफिकेशन के बाद ब्रोकर हाउसेस का भरोसा बढ़ा, देखना होगा कि आज इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना बढ़ता है स्टॉक पर, क्या खरीदारी दिखती है या फिर नहीं। शुक्रिया संदीप आपका रिपोर्ट बताने के लिए। लेकिन कई अहम खबरें वो आपको बता देते हैं। कोलोकेशन केस मामले में एनएससी को सेबी ने कारण बताओ नोटिस दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम सेबी ने एनएससी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही एनएससी के अलावा एक्सचेंज के 3 अधिकारियों को भी सेबी ने नोटिस भेजा है। इसे पूर्व वाइस चेयरमैन रवि नारायण, पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन और 4 ब्रोकर शामिल हैं। सेबी ने एससीआरए कानून और एफयूटीपी के नियमों के तहत सभी को नोटिस दिया गया है। और अब आपको बता दें कि एनएससी का कोलोकेशन केस क्या है। एनएससी से बीएससी तक अलग लाइनें बिछाने का आरोप एनएससी पर है। एनएससी के आधार पर बीएससी में कीमत आने से पहले ट्रेडिंग का आरोप भी था। और वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि हिस्सा बिक्री से पहले एयर इंडिया को मुनाफे में लाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि एयर इंडिया पर बनी कमेटी की बैठक जल्द होगी।